कर्नाटक राज्यातील घटनेविरोधात सुरू असलेल्या हिजाब आंदोलनाचा परिणाम सर्वत्र पाहायला मिळालाय. आज नांदेडमध्ये हिजाबच्या समर्थनात धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले. हिजाब घालणं हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानानेही आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्यामुळे आमचे हक्क कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. न्यायालयाला हस्तक्षेप करून आमच्या हक्काचं संरक्षण करण्यास सांगितलं होतं, अशा प्रतिक्रिया MIMच्या महिला शहर अध्यक्षांनी यावेळी व्यक्त केल्या. Not allowed in colleges with hijab. Hijab, it's our right. It's bestowed upon girls by Allah Subhanahu wa Taala and by Indian Constitution also. Our Indian Constitution grants freedom to every Indian about their religious affairs. Then also, in educational institutions, Muslim girls are suffering injustice about hijab. I say shame on Kundanpura Colleges of Karnataka for victimizing Muslim girls. It's a hypocrisy. One side they are saying that beti padhao, beti bachao, and other side they are stopping girls to getting education. Assalamu alaikum, All India Etihadul Muslimin ki janib se aaj collector office par humne nivedan diye hain, aur wo isliye diye hain, collector office par diye hain, aur hamare jo hijab ko lekar jo bawal chal raha hai Karnatak mein, wo hum nahi chalne denge. क्यों? तो ये हमारा हिजाब हमारी शान है, हमारी बहन है और हमारी इज्जत है. ये आपने कई दफ़ा हमारे इस्लाम पर लेकर कई सारी उंगलियां उठाई, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे. जैसा कि ट्रिपल तलाक भी लेकर आए हमारे विरोध में, और हम जो कोरोना चल रहा था विषय में COVID-19 में, उसके लिए हमारे अजान भी रुकवा दिए गए, हमारी ईदे बराते भी रुकवा दिए गए, और हमें हर चीज़ से महरूम रखा गया है. लेकिन जब हमारी हिजाब के फर बात आई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम धरने पर पूरी महिलाएं उतर कर आ जाएंगी, लेकिन हम हमारा हिजाब नहीं छोड़ेंगे. कहाँ गया वो मोदी का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी हिजाब में रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी और तभी तो बचेंगी. इसलिए हम हमारे शिक्षण मंत्री साहब से अपील करते हैं कि फैसला हमारे हक में दिया जाए और हमारे हिजाब के बारे में दूर दूर तक कोई विषय ना आए. एबी न्यूज मराठी साठी शीतल भांगे सह राजू दराडे, नांदेड़.